सच बताना, यकीन हुआ? And welcome to my channel, Ruchi Style Corner. तो अभी जस्ट मैंने एक व्लॉग खत्म किया है और मेरा मन हो गया एक और व्लॉग करने का. तो एक्चुअली अभी मैं बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ. तो आज काफी जल्दी कुकिंग कर रही हूँ, मतलब 6:30 हुआ है, 7 बजे तक हमको खाना खा लेना है. विक्की का जब कोविड से वो रिकवर हो गया था तो उसके 1 मंथ बाद हम लोगों ने सारे टेस्ट करवाए थे, तो उस बात को 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं. अभी हमारा फुल बॉडी चेकअप होने वाला है. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉलिसी वगैरह होती है ना, उन्हें अपग्रेड करवाई है. तो उस पॉलिसी के लिए, उस टर्म पॉलिसी के, उस टर्म प्लान के लिए हम दोनों का फुल बॉडी चेकअप होना रहता है. तो 8 बजे या 8:30 बजे का उन्होंने टाइम दिया है. उनको सब खाना वाना फटाफट 7-7:30 बजे तक खा लेना है. वैसे भी हम इतने बजे तक ही खाते हैं ताकि वो जो गैप है वो प्रॉपर मेंटेन हो जाए, क्योंकि फिर आपको कुछ खाना वगैरह नहीं है. मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ. किचन एकदम क्लीन है. जब एकदम क्लीन किचन में एंटर करो ना सुबह शाम, तो बहुत अच्छा लगता है. इसलिए मैं काम करने के बाद ना किचन क्लीन कर लेती हूँ. सो यस, फटाफट से चपाती बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. Running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be. गुड मॉर्निंग. और आज जैसे कि मैंने बताया था कि कल हम लोग, मतलब कल मैंने बताया था कि आज हमारा होने वाला है पूरा बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, मतलब ECG VCG सब कुछ ही होगा. वो सब कुछ इंक्लूड करने वाली है. तो वो मैं भी क्लिपिंग डाल दूँगी. वो हो चुका है, मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया है, बट मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत. एंड उसके बाद अभी मैं क्या करने वाली हूँ, जो ग्रॉसरी का सामान है ये ऑलरेडी इनको हो गया, 24 घंटे हो गए हैं. तो मैं फटाफट से इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि ये कल से ऐसे ही फैला हुआ है. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here? तो मैं यहाँ पर अपनी जो पल्सेस एंड ग्रेन्स हैं उसके अंदर इस तरह से बे लीफ रखती हूँ ताकि इसमें कीड़े वगैरह ना हो. बहुत अच्छा हैक है ये. अगर आपको भी, मतलब आपके भी अगर दाल वगैरह में, इन सब में कीड़े हो जाते हैं ना, जो छोटे छोटे, वो उनसे बचाने के लिए आप इस तरह से बे लीफ रख सकते हैं या फिर लौंग रख सकते हैं. मैं चावल वगैरह में लौंग रखती हूँ, बट दाल जितने भी होती हैं उनमें मैं बे लीफ रखती हूँ. तो मुझसे ये भी क्वेश्चन आता है कि मैं जैगरी अगर यूज़ करती हूँ तो उसके साथ में मैं ब्राउन शुगर क्यों रखती हूँ. तो एक्चुअली ना, जैगरी का जो टेस्ट है वो कुछ चीज़ों में हम लोगों को जमता नहीं है. जैसे कि जब हम हलवा बनाते हैं आटे का, या और भी कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, रबड़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जैगरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है. जो ब्राउन शुगर होती है ये एक तरह का अनपॉलिश्ड शुगर आप बोल सकते हो, उस फॉर्म में होती है. तो एटलीस्ट वो जो रिफाइंड शुगर होती है उससे तो बेटर ही होता है. तो कुछ चीज़ों में रिक्वायरमेंट होती है शुगर की हम लोगों को. सो आई एम अ माउथ फ्रेशनर लवर. मतलब मुझे माउथ फ्रेशनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. खाना खाने के बाद मैंडेटरी है कि मुझे सौंफ के साथ कुछ कुछ अलग अलग फ्लेवर्स चाहिए होते हैं. तो मैं हमेशा रखती हूँ, भर के रखती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा ही रखती हूँ अपने पास. तो इस बार मैंने ये जो ये होता है ना पान मसाला होता है, वो भी मैं लेकर के आती हूँ अलग अलग. तो मुझे एक नया सा फ्लेवर मिल गया पान मसाले का, तो मैं वो भी लेकर के आ गई. और मैं खुद अपने अकॉर्डिंग इनको मिक्स करती हूँ एंड शेक करके एक बॉटल में भर के रखती हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ये. This moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm loving this moment, can we stay here forever? I'm just loving this moment, can we stay here?
पेंट्री सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हरा भरा सा। अभी फ्रूट्स वाला लेकर के आना है, फ्रूट्स मैंने विकी को काफ़ी दिन से बोल के रखा है बट अभी तक आया नहीं है। एंड ये ना मैंने अमेजन से मंगवाया था, केक स्टैंड है ये, बट जो मैंने मंगवाया था उससे ये बिल्कुल अलग आया, मैंने कुछ और ही पसंद किया था, बट स्टिल मैंने इसको रख लिया कि मैं इसको कभी प्लांटर स्टैंड या कुछ DIY वगैरह के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो इसको मैं अभी यहीं पर रखती हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने ऐसे फ्रूट्स जो हम रखते हैं ना वो उसके लिए रख के रखा हुआ है, बट हाँ मैं इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ। एंड इसकी थोड़ी सी फटाफट से क्लीनिंग कर देते हैं। ओके, तो फाइनली आज मेरा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हो गया है। पहले हम लोग विक्की की कंपनी में जा करके लगवाने वाले थे, बट है ना विक्की का जो ऑफिस है दैट इज़ इन पवई, बट ठीक है, मतलब इतना दूर पेट्रोल लगा करके जाएंगे फिर थक करके आएंगे पवई से यहाँ तक, अभी वैसे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा वाइज डिसीजन है कि 2 मिनट के रास्ते में यहीं पर है वैक्सीन। अभी मैं लगवा रही हूँ, 2 से 3 दिन बाद विक्की लगवाएगा। मुझे क्वेश्चन आते थे आपने वैक्सीन लगवा ली नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था जब विक्की का कोविड वाला हुआ था ना, तो हम लोगों ने हमारे टेस्ट करवाए थे और मेरे अंदर जो एंटीबॉडीज आई थी ना वो इतनी खतरनाक आई थी, मतलब मेरे अंदर वन जो लेवल आया था मेरे पास एंटीबॉडीज का, तो वो बहुत इनफ है मेरे अंदर, जो वैक्सीन से एंटीबॉडी जनरेट होनी चाहिए वो ऑलरेडी मेरे अंदर प्रेजेंट है। मतलब पहले कभी पास्ट में 5-6 महीने पहले या 8 महीने पहले मुझे होके जा चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को फ्रॉम लास्ट 1 ईयर तक ऐसे फीवर ईवर कुछ हुआ नहीं है, तो माइट बी पॉसिबल वो जो फर्स्ट वेव आया था तब कभी होके चला गया हो, पता भी नहीं चला हो, तो अंदर काफ़ी सारे एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। तो हम लोग इसलिए एकदम ऐसे नहीं थे कि हमको करवाना ही है वैक्सीनेशन, जब हमने सोचा था तब माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अवेलेबल हर जगह हो जाएगी, तब हम करवाएंगे। तो मैंने आज करवाया, 2-3 दिन बाद विक्की करवा लेगा है, तो आज हम जाने वाले हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बट ठीक है, मैं फटाफट से रोटी बना करके रख देती हूँ, आटा एक्स्ट्रा गूंदूंगी, क्योंकि अगर इन केस शाम को मुझे अनइजी लगता है अगर, तो देखते हैं, फिर खिचड़ी विचड़ी कुछ खाएंगे विक्की बना के देगा मुझे, इसलिए हम लोग एक एक करके लगवा रहे हैं ताकि हेल्प रहे एक दूसरे की। ओके गाइस, सो आई एम डन विथ माई कुकिंग, पूरा गैस जो है वो क्लीन हो चुका है, विक्की अपने भगवानों को शार दे रहा है, नहला रहा है और खाना पूरा यहाँ पे बन के रेडी है। तो अभी मैं शार नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे एनीवेज वैक्सीन लगवाने जाना है, तो मैं वहाँ से आऊँगी तब मैं शार लूँगी, तो मैं अभी शार नहीं ले रही हूँ। दो मेरा मन तो कर रहा है शार ले लूँ एक तरफ, बट मुझे लग रहा है कि आकर के तो शार लेना है तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं इसलिए अभी नहीं लेती हूँ। वैक्सीन लगवाने के बाद देखते, तो आई एम एक्साइटेड कि मुझे क्या होने वाला है और क्या मेरे को साइड इफेक्ट होगा वैक्सीन का। तो यस, मैं सारा अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी, तो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, गोइंग फॉर माय वैक्सीनेशन नंबर 1। और फिर जब आऊंगी जो भी होगा वो भी मैं सबको बताऊंगी, आप लोगों को भी साथ में बताऊंगी। तो लग नहीं रहा है, पता चलेगा वो थोड़ी देर में, फिर सोऊंगी, मस्त सोऊंगी मैं 2 दिन। ये तो अभी हम लोग आए हैं थियोब्रोमा, मतलब मैं नहीं आई हूँ, विक्की गया है, मैं तो अंदर ही बैठी हुई हूँ। वहाँ का पाइनएप्पल केक, ट्रफल, मतलब वहाँ की सारी पेस्ट्रीज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पाइनएप्पल वाला ऐसा है कि विक्की को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं तो सभी खा लेती हूँ, पेस्ट्रीज में मैं सारा फ्लेवर खा लेती हूँ, क्यों ना जो खाना है बताओ आज वो मुझे दिलवाएगा। विक्की आ गए हैं, विक्की जी आ गए हैं हमारा केक लेकर के। बल 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 और बल, वैक्सीन हो गई मेरी सखियों। लोगों ने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि लोगों को बुखार आता है, लोगों को हाथ पैर दुखते हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं पहला केस देख रहा हूँ, मेरी बेबी को वैक्सीन ने पागल कर दिया। मैं गाना गा रही खुश हो खुशी में। गाना नहीं गा रही थी, अभी नारे लगा रही थी। वैक्सीन क्या? बोल फिर से बोल।
फोकट में ही नाच रही है मतलब है। फर्स्ट डोज हुआ है अभी, पानी की बोतलें हम रख के भर रहे हैं, भर के रख रहे हैं, नॉट रख रहे। देखा मैंने बोला ना पागल कर दिया है इसको वैक्सीन ने। रख के रख रहे हैं बेडरूम में और जी भर के सोएंगे दो दिन। ये देखो क्या हो रहा है। आज विक्की फुल मूड में है कुकिंग के। कोई फुल मूड में नहीं है, मैंने इसको मोटी को बोला था कि खाना बना दो, मेरे से बनवा रही है। मैं वैक्सीनेटेड हूँ ना, है उचक रही है पूरे घर में इधर से उधर। अभी रात में पता चलेगा, रेस्ट चाहिए मुझे 2 डेज का। इसने मुझे पूछा भजिए खाने हैं क्या, मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ बना दो भजिए, थोड़े से ज्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हूँ यू नो। तो पूरी बॉटल भर के पानी खत्म कर दिया है मैंने, एक बॉटल खत्म कर दी है सुबह, एक तो पी ली, मतलब 6 ग्लासेस पानी अभी तक मैं पी चुकी हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा चिल, टीवी पे मस्त यूट्यूब लगाऊंगी और कुछ देखूंगी अपने पसंद का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हे हाय, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत तेज रोशनी है, लेकिन कल जिस इंसान ने वैक्सीन लगाई थी आज देखते हैं उसका हाल क्या है। ऐसे तो रात भर बुखार था उसको, काफ़ी तेज़ बुखार था, तो अब देखते हैं कि कितना है अभी भी बुखार। लेट्स गो। ये देखो ये नौटंकी इंसान अभी भी सो रहा है, जाग रहा है नहीं पटा। ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है, अच्छा लग रहा है। ओके अभी देखते हैं। आज रात में मेरे को जब चिल्स आए थे मैं कल बढ़िया नाच रही थी, ये पे रात को भी मैं सोई तो मेरे कह रही कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। रात में विक्की उठा करके एसी बंद करवाया और देखो पहला कंबल, ये दूसरा ब्लैंकेट, ये तीसरा ब्लैंकेट, तीनों यही ओढ़ के सोई थी क्योंकि इसने पंखा बंद करवा दिया था, तो मैं तो उघाड़ा ही सोया था। मुझे ऐसे चिल्स आए बट दवाई खा ली थी, सुमो हुमो डोलो सुमो डोलो डोलो। अभी देखते हैं टेम्परेचर कितना आ रहा है। ये लो, बट भी शक्ल से नहीं लग रहा ना कि फीवर वीवर है। नहीं कल इतना नाची है ना। ये 15 मिनट की चांदी थी, इनको मोजे पहनना पड़, इनको मोजे चाहिए थे क्योंकि इनके पैरों में बहुत ठंडी लग रही थी। मात्र 15 मिनट पहन के हटा दिए इस औरत ने, बोलती 15 मिनट में मैं ठीक हो गई। तब अगर बीमार भी पड़ो तो थोड़ा तो अच्छे से पड़ो। बाप रे मेरे बाल तो देखो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। How I wake up like this? टेम्परेचर हो रहा है समझ में ही है। तो नौटंकी है? आप लोग सोचेंगे कि हम लोग नॉर्मल लोगों जैसे क्यों नहीं रहते, क्योंकि इन इंसान की वजह से। देखो बुखार है इस इंसान को अभी, लेकिन फिर भी ये इतनी मस्ती कर रही है तो ठीक है, क्या जाता है। क्यों रोना धोना कही, अभी भी हंस रही है, चैन थोड़ी ना इन लोगों को, अभी बुखार है, गर्म है इसका शरीर अभी भी। 100 103 दवाई का असर है। दवाई नहीं ली होती ना। देख लो 103। तो एक्चुअली अभी भी वो तो मेरे बाल बाल ऐसे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं फीवर है। अगर मैं जहाँ चेहरा वॉश कर लूँगी और बाल ढंग से कर लूँगी तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मेरे को फीवर है। मेरी जब भोपाल में जो मेरी लास्ट कंपनी थी ना, उसमें मैंने एक दिन की छुट्टी मारी, एक दिन दो दिन मारी, दूसरे दिन मेरे पास ऑफिस से कोई अर्जेंट वो हो रहा था, ऑडिट हो रहा था ऑफिस में, एंड आई वॉज दी HR। तो ऑब्वियसली HR का उन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत था क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ मुझे पता थी, मेरे MD को भी नहीं पता था। तो उन्होंने बोला मैम अर्जेंट है, अर्जेंट है, आपको आना पड़ेगा। मैं बस दवाई वाई खा के शाम 3-4 बजे गाड़ी उठा करके निकल गई। निकल गई तो मेरे को था ऑफिस वाला, अरे मैम आपको तो बुखार ही नहीं है, शक्ल से था, झूठ बोला था झूठ। मैंने कहा, मैं हंस रही हूँ, रोने लगा दूँ। अरे सर मुझे बहुत फीवर है, मुझे मेरी शक्ल से नहीं लगता कि मुझे फीवर है, मतलब मैं मस्ती करती रहती हूँ फीवर में भी। हाथ पैर मेरे बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, मतलब इस एक्सटेंट के दुख रहे ना कि आई कांट इवन एक्सप्रेस, मेरा सर फटा जा रहा है, बट ठीक है। सच बता रहा हूँ, यकीन हुआ एक भी बात का इंसान की कि मेरा हाथ पर बहुत दुख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी हाथ पैर ऐसे हिलाती रहूंगी, ठीक है। मेरे को बुखार बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं अभी मुंह हाथ धोऊंगी, चेहरा वॉश करूंगी, क्या है ना। तो आज विक्की बनाने वाला है खाना, दाल चावल बना देना और अभी मुझे जूस पिलाएगा, सेवा करो मेरी दो दिन, सर दुख रहा है मेरा बहुत तेज। हाथ पैर भी दुख रहे, बंद कर दो, लोग समझेंगे ये लड़की पागल है। ये वाकई में पागल है।
सर दुख रहा है, ये ऐसे इंसान का दिख रहा है कहीं से, किसको यकीन होगा कि मतलब सर दुख रहा है ऐसे इंसान का। तो आज आप लोगों को थोड़ा बहुत मुझे ही झेलना पड़ेगा। आज सुबह हमारे पास ऐसे फ्रूट्स नहीं थे तो मैंने मंगा लिए थे। ये देखिए, ये 2 किलो अनार और ये 2 किलो अनार और 2 किलो तो नहीं है, ये 1 किलो अनार का बना के रखा है। अभी इनका फटाफट अपन जूस बना लेते हैं। अनार का जूस इज रियली रियली गुड फॉर हेल्थ। कभी भी किसी भी सीजन में खाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड आयुर्वेदिक तरीके से बताऊं तो ना ये वात बढ़ाता है, ना पित्त, ना कफ, ये तीनों को न्यूट्रलाइज भी करता है और ये अच्छा रहता है। मॉडर्न मशीनरी अभी तक आई नहीं है इसके लिए देसी तरीके से। What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me. हाय एवरीवन, तो अभी बज रहा है 2 बज रहे हैं एंड अब मेरा मतलब जैसे नेक्स्ट डे हुआ है ना आज, तो अब मेरा जो बॉडी पेन है वो बहुत गंदा वाला स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। मतलब मुझे पूरे जॉइंट्स मेरे बॉडी के बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मेरी शक्ल भी मत जाना, बट मुझे एक्चुअली में बहुत पेन हो रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी उनको पता होगा कि किस लेवल का पेन होता है। एंड सच में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि हम दोनों ने ना एक साथ नहीं लगवाई। एक पहले हमारा ये मैं विकी के पीछे पड़ी थी, अरे साथ में लगवा लेते हैं, देखेगा जो होता जाएगा। लिटरली खाना भी नहीं खा पाते। 2 हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, अभी उनका फ़ोन आ गया था कि सब ठीक तो है, खाना वाना मैनेज हो गया एंड ऑल दैट। तो मैंने बोला अभी तो सब हो गया, विक्की ने कर दिया सारा काम, अभी विक्की संभाल रहा है। फिर जब मैं थोड़ी बेटर हो जाऊँगी 3-4 दिनों में, तब फिर विक्की को वैक्सीनेट कराएंगे ताकि मैं संभालने के लिए रहूँ। मतलब दोनों का साथ में कराना तो बाप रे, दोनों पड़े रहते बेड पे। तो यस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। बच चुके हैं 4 और ये इंसान को देखो, ये इंसान अभी क्या कर रहा था बोल? गार्लिक ब्रेड खाना है। क्यों गार्लिक ब्रेड खाना है? मुंह कड़वा हो रहा है मेरा बहुत ज्यादा। कौन कौन बीमारी में गार्लिक ब्रेड खाना पसंद करता है? केक खाया, केक तो कल ही ले लिया था, वो तो अभी खा के आ रही हूँ मैं। पर मुझे अब कुछ चटपटा खाना है, मीठा चटपटा ऐसा खाने का मन कर रहा है। एक बाइट मीठे की, एक बाइट चटपटे की। तो विक्की के लिए मेरे को डिप के साथ गार्लिक ब्रेड मंगवा दो। A few moments later. सबूत मिल गया, ये चटोरी सिंह चट्टोपाध्याय ने बिकॉज उसको वैक्सीन लगी है इसके लिए गार्लिक ब्रेड मंगा के खाई है आज। चलो इससे पूछते हैं कि क्यों खाई गई आज। क्यों रे चटोरो सिंह चट्टोपाध्याय? आई एम वैक्सीनेटेड, डोंट से एनीथिंग टू मी। A few moments later. Okay guys, तो अभी मुझे काफी बेटर लग रहा है। बेटर मतलब हाथ पैरों में तो पेन है, मेरा हेड भी बहुत ज़्यादा, मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है, बट मुझे जो फीवरिशनेस लग रही थी ना वो मुझे काफ़ी कम है। क्योंकि ताकि मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा और एनर्जेटिक फील करा सकूँ, तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है फेस मास्क। एंड मैंने जो फेस मास्क लगाया है ना, काफ़ी दिनों बाद मैंने फेस मास्क लगाया है, पता नहीं मैं क्यों नहीं लगा रही थी, बट हाँ मैंने फेस मास्क लगाया ना। आई यूज़ दिस कामा आयुर्वेदा का सुवर्णा हल्दी चंदन ब्राइटनिंग फेस पैक है ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। चंदन की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तब फिर मैं वॉश करूँगी और विक्की अपना काम करना है। है हमारा एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़, डू लेट मी नो क्या गैस करके आपको लग रहा है कि क्या है, और ये इस रूम के लिए है। तो मैं डेफिनेटली जो अनबॉक्सिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, बिकॉज अभी तो देखो मेरी हालत नहीं है इसको ये सब। बिल्कुल हालत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा बीमारी है। देखो ये मुझे सुबह से इसको मिली, मैंने ज़्यादा देर सोचो मैं ना ट्राईपॉड नहीं पकड़ पा रही हूँ इस वाले जिस हाथ इसमें वैक्सीनेशन हुआ है ना, तो मैं ज़्यादा देर ट्राईपॉड नहीं पकड़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे पेन होने लग रहा है। जस्ट बिकॉज मैं स्माइल कर रही हूँ, हंस रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दर्द या तकलीफ नहीं हो रही है। नाच गा भी रही हूँ, नाच गा खब रही हूँ।
कल नाची गई थी, आज दिन भर में पड़ी हुई थी मैं बेड पे। हाँ वो तो है, बिस्तर पे ही पड़ी। हाँ जो बिस्तर पे ही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस सो जाऊं, सो रही हूँ, जग रही हूँ, सो रही हूँ, जग रही हूँ, ऐसा चल रहा था। तो ऐसा मैंने फेस टाइम लगाया इसीलिए। ओके गाइस, तो नाउ द अपडेट इज मैंने अपना फेस वेस वॉश कर लिया है, थोड़ा लिप बाम लगा लिया है, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। वैसे भी 24 आवर्स हो चुके हैं, मतलब मैंने कल लगवाया था 2 बजे एंड आज 2 बजे मेरे 24 घंटे हो गए और 2 टैबलेट्स मुझे खाने की जरूरत पड़ी। तो अभी मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। यस, मेरे जॉइंट्स में अभी पेन है, मुझे हाथ पैरों में पेन हो रहा है, मेरे को हेडेक हो रखा है। तो आज और मैं प्रॉपर पूरा रेस्ट लूँगी और अगर मुझे लगता है तो मैं कल भी एक दिन और रेस्ट कर लूँगी, मतलब एक्सटेंड करूँगी, ऐसे ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करूँगी अपनी बॉडी को। बट हाँ, मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड सबसे मतलब मुझे आप लोग बताइएगा जिन्होंने वैक्सीन लिया है कि क्या आप लोगों को ऐसा हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद बहुत मुझे इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगा था बार बार मेरा गला सूख रहा है। मैं तो हर 2 घंटे में उठ करके पानी पी रही थी, वॉशरूम जा रही थी, पानी पी रही थी, वॉशरूम जा रही थी, यही सिलसिला मेरा रात में चल रहा था। सो डू लेट मी नो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगी है। तो अभी जो है विक्की खाना बना रहा है, मैं नहीं बना रही हूँ। खाने में भी आज हम लोग क्या खाने वाले हैं, हम सिर्फ पोहा खाएंगे। एंड मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, काफ़ी दिनों बाद रात का व्यू बहुत दिनों से दिखाया नहीं ना, तो मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड आल्सो डू लेट मी नो कितने लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा लिया है एंड कितने लोगों का दोनों डोज लग गया है, मुझे जरूर बताइएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।